वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे माई टॉपिक ऑफ द वीडियो इज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एरर एस्टिमेशन. कंप्यूट द कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.56. ओके, हमने इसके अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमने कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला फाइंड आउट करना है एंड द फोर वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल एंड एस्टिमेट द एरर. आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं स्टूडेंट कि जे की जो वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3 है, आपको हमेशा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन गिवन होगा. ठीक है, 0.56, 0.5, 0.56, 0.7 एंड 0.8. आप नोट करें स्टूडेंट कि इसके अंदर सिर्फ 0.1 का जो है डिफरेंस मौजूद है. ठीक है, अब यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यूज फाइंड आउट की गई हैं. न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला जो है वो है एफ जे प्लस वन माइनस एफ जे. तो आपने ये वाली वैल्यूज इतनी निकालनी है कि आप एक वैल्यू तक एंड पे पहुंच जाएं. ये मैं आपको ओवरऑलिंग में इसकी एग्जांपल के बारे में बता रही हूँ, दैट इज फ्रॉम द अर्वन क्रेजिक बुक एंड द पेज नंबर इज 806. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपकी 4 से 3 वैल्यूज बनेंगी, फिर 3 से आपकी 2 वैल्यूज बनेंगी और फिर आपके पास एट द एंड एक वैल्यू रह जाएगी. ठीक है, फार्मूला जो है वो इसका इस तरह से होगा. आपके पास ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आर डॉट ग्रेडियंट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आर डॉट आर वन ओवर 2 फैक्टोरियल ग्रेडियंट स्केयर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आर डॉट आर वन डॉट आर टू ओवर 3 फैक्टोरियल ग्रेडियंट क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट. क्योंकि यहाँ पे देखें क्यूब तक काम किया गया है, आपने टेबल की वैल्यूज इतनी लेके जानी है कि आपके पास एट द एंड जो है ना एक वैल्यू बच जाए. ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको जो है एक रिटर्न फॉर्म में ले जाती हूँ कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है. अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें स्टूडेंट के जो है ना, मैं यही क्वेश्चन जो है एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए. जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप ज़रा देखें कि मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट करें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, ये आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे है कि कंप्यूट करना है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.56 एंड द फोर वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल एंड एस्टिमेट द एरर 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जे की जो वैल्यूज है ना वो है 0. ठीक है, एक्स जे की वैल्यू है 0.5. ठीक है, और मैं यहाँ पे मतलब ये देखें इतना आपको बस क्वेश्चन गिवन है, यहाँ से आपकी सोल्यूशन स्टार्ट है. ठीक है, कि आपके पास ना सिर्फ एक्स जे की वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा कि 0.5 जो है उसको आपने लिखा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.5. ठीक है, और उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है कैलकुलेटर को यूज़ करने से कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.5 की, वो हमारे पास आती है, हाइपरबोलिक का बटन हमने प्रेस किया तो अब नंबर 2 का बटन प्रेस किया और 0.5. कैलकुलेटर आपका रेडियन में होना चाहिए, तो ये है 1.127. इसके अलावा ये मैंने वैल्यूज ना लिख निकाली भी हुई हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देती हूँ, 1.127623456 डिजिट्स तक हम चलते हैं, 7625. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप देखें मैं कैलकुलेटर साइड पे रख रही हूँ क्योंकि मैंने ना सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स की निकाली भी हुई हैं. अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा फासला ये चलें. ठीक है, अच्छा, फासला देने की भी बात है कि दरमियान में चलें. ठीक है, सही है, इस तरह ही कर लेते हैं फिर, कि मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ज़्यादा के लाइन लगा देती हूँ. उसकी रीज़न ये है कि मैंने ना इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा यूज़ करना चाह रही हूँ, 0.6, 0.7 एंड 0.8. अच्छा, अब यहाँ पे कॉज ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 0.5 के जो रिजल्ट आया है वो है 1.12626 कर लें चलें. कॉज हाइपरबोलिक ऑफ 0.6 इज इक्वल टू ये आ जाता है 1.18545465. ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.7 इज इक्वल टू 1.25555 एंड 169. ठीक है, और सिमिलरली कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 1.3374
7, 4 and 3, 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करें कि आपके पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस, उसका बेसिक फार्मूला ये होता है कि इसके अंदर अभी डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर तो फिर आपके पास वो इस वाली चीज़ को भी डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन वो भी इसकी भी एक फॉर्म होगी, वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में जो है स्टूडेंट के, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में, ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में रिज़ल्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों के दरमियान में। सिमिलरली इन दोनों के दरमियान का रिज़ल्ट जो होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो मैंने लाइंस चले वो दरमियान में की, इसी तरह से इन दोनों की वैल्यूज़ का आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तकरीबन इतना बॉक्स यूज़ कर लिया है कि यहाँ पे आप देखें, अगले वाली वैल्यू में से आपने पिछली वाली वैल्यू को माइनस करना है, 1.185465 - 1.12766 and 26, दैट इज़ इक्वल टू, इसकी जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही कि टाइम ना लगे, 0.057839, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों की वैल्यूज़ देखें, 1.255169 - 1.185465, दैट इज़ इक्वल टू 1. इसका आता है हमारे पास रिज़ल्ट 0.069704, ठीक है। और यहाँ पे देखें 1.337435 - 1.255169, दैट इज इक्वल टू आपके पास आता है 0.082 एंड 2266, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाती है चीज़, सही। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ में से आप इसको माइनस अब आप करेंगे तो ये रिज़ल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली आपने इधर इन दो वैल्यूज़ का जो रिज़ल्ट है ना, वो यहाँ पे आपने लिखना होगा, ठीक है। आप नोट करें, 4 वैल्यूज़ के यहाँ पे 3 वैल्यूज़ बन गई हैं, अब 3 की 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी। इसमें भी आप सेम वही बिहेव करेंगे कि FJ+1 में माइनस कर दिया FJ। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि ये ग्रेडियंट स्केयर एफ जे है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका सेकंड टाइम डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि 0.069704 - 0.057839, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0.011865, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसमें आता है 0. ये सेकंड नेक्स्ट में से प्रीवियस वैल्यू को आप माइनस करेंगे, 0.08226 - 0.069704, दैट इज़ इक्वल टू 0.012562। हाँ जी, अच्छा, अब यहाँ से देखें ना कि इसमें से और इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है। अब यहाँ से इसको में से इसको हम माइनस करते हैं, 0.012562 - 0.011865, दैट इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है 0.000497 697, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बता दूं, अभी हमने इसका फार्मूले में ये चीज़ ज़रा आप देख लें कि इस किस्म के स्टाइल में ये चीज़ मतलब आपके पास आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे ना ये जे की जो वैल्यूज़ हैं वो 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स नॉट आ जाए, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स वन के इक्वल आ जाएगी और ये वैल्यू एक्स टू के इक्वल आ जाएगी एंड दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स थ्री, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम साथ ही स्टूडेंट हमें उतने ही आर कैलकुलेट करने होंगे, मतलब अगर ये ग्रेडियंट क्यूब तक है ना तो हमें आर टू तक फार्मूले को कैलकुलेट करना होगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि आर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, मैं पहले बता दूँ कि ये एक्स वगैरह है और इसमें जो एक्स है ना जो हमने कंप्यूट करना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है, ठीक है, एच ये है, एक्स ये है 0.56, ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो 0.56 है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ आ जाती है H। अच्छा, इसके लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि इसका डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए, क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं, या आप समझ लें कि डिफरेंस स्टेप साइज इन द एक्स एक्सिस के ऊपर, कि वो जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखें आप 0.1 है, ठीक है, तो एच जो है वो इसका हम लिख सकते हैं कि 0.1 है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0.7 माइनस 0.6, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिखती हूँ, 0.6 माइनस 0.5 दैट इज़ इक्वल टू 1, मतलब इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आर की वैल्यू निकालनी है मैंने, आर की वैल्यू है 0.56 माइनस एक्स नॉट है 0.5 ओवर एच है 0.1, ठीक है। अब सिमिलरली मैं इसके अंदर निकालूंगी R1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें कि इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, ठीक है, और R1 इसका मैं अभी निकालती हूँ R के रिज़ल्ट को कि क्या आता है यहाँ पे रिज़ल्ट इसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है R1, R1 की वैल्यू जो है वो है एक्स माइनस X1 ओवर H, दैट इज़ इक्वल टू 0.56 माइनस X1 की जो वैल्यू है वो है 0.6 ओवर H है 0.1, ठीक है, 0.56 माइनस 0.6, ठीक है, 0.56, हाँ जी, ठीक है। अभी हम ये भी निकालते हैं और R2 की वैल्यू भी मैं लिख दूँ, X माइनस X2 ओवर H, दैट इज़ इक्वल टू 0.56 माइनस 0.6 ओवर H है आपके पास 0.1। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि मैंने इसको माइनस किया है, कैलकुलेटर देखें, मेरा अगेन बता रही हूँ कि मेरा रेडियन में होना चाहिए 0.56 माइनस 0.5, ये आ जाता है 0.06 डिवाइडेड बाय 0.1 और दैट इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.1 0.6। R जो है वो ये आ गया, ये इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब R1 की वैल्यू देखते हैं हम, 0.56 माइनस 0.6 माइनस 0.04 ओवर 0.1 माइनस 0.4। R1, ठीक है, R2 है 0.56 माइनस 0.6, ठीक है, माइनस 0.04 ओवर 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.4 R2। अच्छा, यहाँ पे देखें H, R1, R2 की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, और ये हमारे पास है X0, X1, X2, ठीक है। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर रख दिया 3, इसका नाम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। स्टूडेंट, मैं एक दफ़ा इसे पेज कर देती हूँ ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट भी लेना हो ना तो आप ले सकते हैं, वैसे तो आपको साथ साथ नोट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी जो पॉलीनोमियल है उसका फार्मूला लिखना है, ठीक है, कि वो क्या चीज़ आती है आपके पास। p जो पोलिनोमियल आप फाइंड आउट कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आगे है फार्मूला है r डॉट ग्रेडियंट एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस r डॉट R1 ओवर 2 फैक्टोरियल ग्रेडियंट स्केयर एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस R.R1 डॉट R2 ओवर 3 फैक्टोरियल ग्रेडियंट क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास फार्मूले के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टेबल एंड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 1 तो नहीं, H था 2, 3, 4, ठीक है, देन वी गेट
अच्छा, अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट, अब एफ ऑफ एक्स नॉट की बारी आएगी ना, तो ज़ीरो फर्स्ट वैल्यू, एक्स नॉट का मतलब होगा फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ग्रेडियंट एफ ऑफ एक्स नॉट की बात आएगी तो इसका मतलब भी इसमें भी जो पहली वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू, ग्रेडियंट स्केयर एफ ऑफ एक्स नॉट है तो ये वाली वैल्यू, और ये क्यूब है तो ये वाली वैल्यू, ठीक है। हर एक की फर्स्ट फर्स्ट जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी रिस्पेक्टिव कहलाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखें कि स्टूडेंट मैंने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने पुट की हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.52, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपने निकाला कि आपने पहली वाली वैल्यू है ये वाली, ठीक है, उसको लिखा हमने 1.27626, ठीक है। फिर है आर, ठीक है, आर की वैल्यू हमने 0.6 पुट की यहाँ पे, प्लस आर 6 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट एफ ऑफ एक्स नॉट की पहली वैल्यू कौन सी आती है, ये वाली 0.0578, 0.0 एक मिनट मैं देख लूँ साथ ही कि वैल्यूज़ मैं ठीक लिख रही हूँ, हाँ जी 0.057839 प्लस आर की वैल्यू है हमारे पास ये 0.6 थी, सॉरी, ठीक है 0.6 है, हाँ। अच्छा, आर की वैल्यू 0.6 है और R1 की वैल्यू -0.4 है, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने उसी तरह से लिखा R और R1, ठीक है 0.6 और -0.4, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल और ग्रेडियंट स्केयर एफ ऑफ एक्स नॉट, तो ग्रेडियंट स्केयर जो था ना वो उसकी ये वाली वैल्यू पहले वाली आएगी, ठीक है, ग्रेडियंट स्केयर की, तो मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, इसका रिजल्ट आता है 0.011865, ठीक है, प्लस किया सही, और फिर यहाँ पे भी आप देखें R1 है 0.6, R1 है -0.4 और R2 जो है वो है -1.4 ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये चीज़ जो है ना ये 3 फैक्टोरियल के अंदर डिवाइड में चली जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में जो लेकर जानी है चीज़ ग्रेडियंट क्यूब है वो ये चीज़ रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक R1 R2 में की हो शायद, R2 हमारे पास है -1.4 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे कैसे आ गया, -X2 की वैल्यू स्टूडेंट 0.7 है, यहाँ पे देखें ना X2 की वैल्यू जो है ना 0.7 है, वो मैंने 6 लिखी हुई है, ठीक है, तो ये इस तरह से -1.4 आता है, एक मिनट में लिख दूँ, हाँ ये जो है ना ये R2 का रिजल्ट वो ये आता है, ठीक है, वो मैं -1.4 है, अच्छा ओवर 3 फैक्टोरियल, और ग्रेडियंट क्यूब की भी वैल्यू जो है वो मैंने आपको बता दी है, तो वो आ जाती है 0.000697, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर आता है 1.127626 आ गया, ठीक है, प्लस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.034703, ठीक है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं जिस वक्त, तो उस सारे की कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है -0.001424, और फिर प्लस आ जाता है 0.000, आगे मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ 39, ठीक है, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है ना 0, ठीक है, और एट द एंड इसको हम कंप्यूट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 1.160944, ठीक है। ये आपके पास आ गया कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.52, दैट इज आवर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमने एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना है, इसका एरर निकालना है, ठीक है, अगर हमें ये कहा जाता है कंप्यूट द एरर, तो एरर के लिए आपको पहले बता दें कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूँ कि कैसे है एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगी कि वो आएगी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0.56 बाय कैलकुलेटर, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर,
ठीक है, तो एक तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, वो हमने सारा ये जो इतना प्रोसेस किया, और एक हमारे पास कैलकुलेटर ने जो रिजल्ट दे दिया है ना, उसकी बात करते हैं। 0.56 ये आता है, 1.160940। तो यहाँ पे आप देखें कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का नाम आप चलें, ये एग्जैक्ट वैल्यू ये है आपके पास, ये लिखिए आपने 1.160940 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो आपने ये वाली लिख दी, 1.160944। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें 1.160940 माइनस 1.160944। ठीक है, तो लो बैटरी, दिस इज़ प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक मिनट ठहरे, मैं अभी आपको बता देती हूँ इसका रिजल्ट ना कम से कम आता है, वी डिड द एरर, ठहरे मैं बुक में देख लेती हूँ शायद, अदरवाइज मैं डिफरेंट कैलकुलेटर लेकर आती हूँ, एक मिनट। हाँ जी स्टूडेंट, नाउ आई यूज़ द डिफरेंट कैलकुलेटर, लेकिन प्रॉब्लम इसका ये, इसका कैलकुलेटर मेरे डिग्री पे है और मुझे ना रेडियन इसका चूँकि इस्तेमाल, चलें देखते हैं इसमें रेडियन कहाँ से आएगा। हर कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करने के लिए ठहरें, मेन्यू में जाएं, नहीं मेन्यू नहीं, रेडियन का बटन कहाँ से मिलेगा, इसको एक दफ़ा देखना पड़ेगा मुझे। चलें खैर, फिलहाल तो मैं वैसे आंसर माइनस करूँ ना, क्योंकि रेडियन वगैरह का कॉस साइन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आम प्लस माइनस चलें हो ही जाती है। 1.160940 ठीक है, माइनस 1.160944, तो ये आता आता है 0.00, ये 10 की पावर माइनस वो वंडरफुल 3455, और ये है पॉइंट के बाद ये 4, ठीक है 5D एक्यूरेसी, मतलब इसके अंदर डी है कि हमारा रिजल्ट जो ये जो हमने इतना ज़्यादा कैलकुलेट किया हुआ था ना रिजल्ट, ये वाला और जो कैलकुलेटर ने हमें रिजल्ट दिया है ना, उनके अंदर में 5D यानी मैक्सिमम सिमिलर है, और उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है ना, ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का या एरर के कैलकुलेशन के लिए रिजल्ट है। ठीक है, कि हर जो स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड होगा, तो अभी हम इसका कंक्लूजन दे देते हैं। इट इज सफिशेंट फॉर 5D एक्यूरेसी। ठीक है, उसने वैसे मांगा नहीं था ये चीज़, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने डी एक्यूरेसी, वैसे जो स्टैंडर्ड है ना, जो बेस्ट है वो 60 एक्यूरेसी होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देख लीजिएगा कि इसके बारे में कोई किसी का कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछा जा सकता है, ये दैट इज़ द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, और सिमिलरली हमने उसका ये रिजल्ट उसकी पॉलिनोमियल में डाला तो ये रिजल्ट निकाला हमने, और फिर बाद में हमने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ उसको माइनस किया है और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन सेम टेबल, ऑन वन टेबल पे करके दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, कमिट मी ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट मोर एंड मोर, थैंक यू सो मच।